दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जी टूलर में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया सीरीज चालू किया हमने, और वो हमारी जो सीरीज है वो पीपीटी एग्जामिनेशन पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे कि पीपीटी से संबंधित सभी आपकी जो तैयारी है वो यहाँ पर हो सकेगी। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे जो पीपीटी एग्जामिनेशन में आज चैप्टर वन फिजिक्स का हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं, वो है मोशन, है ना। मोशन मतलब गति से संबंधित जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं। चलिए अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि पिंड का चाल समय ग्राफ क्या होगा। देखो, त्वरण शून्य होने के लिए आप लोग याद रखो कि त्वरण का मतलब है कि वेग नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो आप यदि ऐसी चाल, यानी यहाँ पर चाल और यहाँ पर यदि समय का ग्राफ है, यदि यहाँ पर इस तरह का ग्राफ लेंगे तो मतलब वेग चेंज हो रहा था, वेग नहीं बदलना चाहिए, वेलोसिटी में चेंज नहीं आना चाहिए, तो वही आपका क्या होगा, एक इसमें त्वरण शून्य माना जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, समय अक्ष के समांतर होना चाहिए। चाल समय ग्राफ के ढलान से हम क्या ज्ञात करते हैं। चलिए, अभी मैं आपसे वही बात कर रहा था कि यदि यहाँ पर ये चाल है, यहाँ पर ये समय है, और यदि अभी इसका ग्राफ यदि ढलान होता है तो इसका ढलान से हमें क्या ज्ञात होता है, इसका त्वरण, यानी हम लोग ये बोल सकते हैं ए बराबर से होता है डी वी अपॉन डी एक्स या डी वी अपॉन डी टी, तो यही हम लोग इसी को बोलते हैं ढाल। ठीक है, ढाल से हमें इसका त्वरण पता चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब दो वस्तुएं एच, मान लो यहाँ पर वन और टी, यहाँ पर वन और टू, मान लो एच वन और एच टू से एक साथ छोड़ी जाती है, तो पृथ्वी पर उनके पहुँचने में लिए गए समय का क्या अनुपात होता है। तो सिंपल है, हमारे पास गति का एक समीकरण है एस बराबर से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, आप लोग याद कर लो, यहाँ पर एस बराबर से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो है, अब यदि वो एक साथ छोड़ी जाती है तो इसका मतलब है कि वो रेस्ट से चालू होती है, मतलब यू का मान तो इसके लिए कितना है, शून्य है, तो इसका मतलब एस बराबर से होता है हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनी हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी गुरुत्वीय त्वरण बोलते जी को। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एस का मान किस पर डिपेंड करता है, टी स्क्वायर पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि यहाँ पर दोनों एक तरह एक साथ छोड़ी जाती है तो उसकी ऊंचाई एच वन और एच टू है, तो इसका मतलब है कि ये जो अनुपात आएगा ये आएगा T1 स्क्वायर बटे T2 स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यदि आपको T1 T2 का अनुपात निकालना है तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट यहाँ पर H1 अनुपात H2। ठीक है, चलिए हमारा ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जब दो वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति क्या होती है। तो देखो, जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी तो निश्चित रूप से वो एक समान गति ही होगी, है ना। क्लियर है, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। चलिए, एक कार जो है समान वेग से चल रही है, उस पर एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण लगा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे, अब ये एक समान त्वरण से चल रही है। ठीक है, एक समान वेग से चल रही है, इसका मतलब त्वरण तो इसका शून्य है। ठीक है, अब यदि यहाँ पर एक मीटर पर सेकंड का त्वरण 12 सेकंड तक लगा है, ठीक है, तो 12वें सेकंड में कार ने 190 मीटर की दूरी तय करी तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा। अब देखो, यहाँ पर यदि एक मीटर पर सेकंड का त्वरण है तो इसका मतलब है कि ये तो अपना हो गया, मैं थोड़ा सा इसको देखें, तो ए बराबर से तो हो गया हमारा वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और 12 सेकंड तक लगा, तो देखें यहाँ पर तो त्वरण तो हमारा आगे यहाँ पर, ठीक है, एक और समय में यहाँ पर, यानी कौन सा 12वें सेकंड बोल रहा है ना, यानी 12 सेकंड, ठीक है, 12 पूरा सेकंड नहीं, 12वें सेकंड पूछा है इसने। ठीक है, तो अब दूरी कितनी इसकी, एस बराबर से कितना मान लेंगे हम, 190 मीटर। ठीक है, अब अपने को ये बताना है कि यानी किसी 12वें सेकंड में, यानी किसी टीवे सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला होता है, ये याद रख लो, हाँ, टी टी एच, यानी एस एन टी एच लिखना चाहिए यहाँ पर, तो फॉर्मूला होता है यू प्लस हाफ, याद कर लें इसको फ्रेंड्स, यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। ठीक है, इतना रहता है, तो अपना डिस्टेंस कितनी निकली आपको, तो इसमें गिवन है 190, और इसका प्रारंभिक वेग, अब देखो यहाँ पर चूंकि प्रारंभिक वेग तो अपने को निकालना, क्योंकि यही तो पूछा उसमें, ठीक है, यू की वैल्यू अपने को तो निकालना है। अब हाफ इंटू ए का मान कितना दिया हुआ, वन दिया हुआ, टू, और टी का मान कितना है 12 और माइनस वन, तो यहाँ पर क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो 190 बराबर से यू, अब देखो एक बात सुने यहाँ पर, तो अब इसको सॉल्व करें अपन, तो 12 दूनी 24 में से एक गया तो 23, 23 का आधा है ना,
23 का आधा कितना होगा 11.5, तो u बराबर से कितना होगा 190 माइनस 11.5, और सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स ये कितना आएगा 178.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारा पांचवा क्वेश्चन हुआ। कोई जो पिंड है विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है और यदि त्वरण यदि इसका एक मिनट फ्रेंड्स आपको इसका क्या निकालना है, शायद त्वरण इसमें दिया होना चाहिए था, देखते हैं इसका फ्रेंड्स जो त्वरण है वो 10 इसका ए बराबर से मैं लिख लेता हूँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको 10वें सेकंड में आपको ये बताना है कि कितनी चली गई दूरी। तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, एस एन टी एच बराबर से क्या होता है u प्लस हाफ 2t माइनस 1। ठीक है, 2t माइनस 1, तो आपको चली वाली दूरी तो निकालना है, इसका मान निकालना है। और यहाँ पर एक बात सुनो, अब क्योंकि विराम अवस्था से चल रहा है, तो विराम अवस्था से चल रहा है तो u का मान कितना होगा, शून्य होगा, प्लस हाफ 0 प्लस हाफ, ए का मान तो 10 हो गया, 2 इंटू 10, क्योंकि 10वां सेकंड पूछा गया माइनस 1, तो 10 दूनी 20 में से एक गया तो कितना बचा, एक बचा तो 19 बचा, और यहाँ 2 से 10 कितने बार कट गया, 5, तो 5 इंटू 19 बराबर से कितना आ गया 95 मीटर। तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर ए आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। एक रेलगाड़ी 11 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, ब्रेक लगाने पर 121 मीटर चलकर रुक जाती है, तो विराम अवस्था आने में कितना समय लगा। देखो प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है 11 मीटर पर सेकंड, और अपने को पता है कि अंतिम वेग तो जीरो हो ही जाएगा इसका। कितने दूर चलकर रुक जाती है ये 121, यानी एस की वैल्यू कितनी दी है 121 मीटर दी है। ठीक है, तो आपके पास फार्मूला वी स्क्वायर बराबर से यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन ये निकालते हैं, अंतिम तो जीरो हो गया और u का मान, ओह शिट, थोड़ा u का मान दिया हुआ 12 इंटू 12, माइनस में रहेगा त्वरण, हाँ याद रखना क्योंकि गाड़ी रुक रही है, इसलिए 2 इंटू a इंटू s कितना दिया 121। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, ओह सॉरी यहाँ पर 11 दिया हुआ है, 11 रखेंगे। अब ये क्या होगा, दोनों तरफ इस तरफ जाएगा तो a का मान कितना आ जाएगा, आप लोग 11 इंटू 11 121 होता है, तो 121 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर इसका त्वरण तो आ गया 1/2। अब अपने को तो टाइम पूछा है, तो टाइम कैसे निकालोगे, v बराबर से होता है यू प्लस ए टी। ठीक है, u अब वेग तो जीरो हो गया, u की जगह हमारे पास 11 रहेगा, माइनस ए कितना आ गया हाफ आ गया, t निकालेंगे तो t बराबर से कितना आएगा, आप लोग इस तरफ करोगे तो 11 इंटू 2, यानी कितना आएगा 22 सेकेंड आएगा। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये हमारा अभी मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बोर ना हो जाए, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए तो आप इसको रिवाइंड करें, बार बार देखें, और आने वाले जो सभी वीडियो में एक के बाद एक में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों जो आपके पेपर हैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।